वेलकम टू वीवर्स वर्ल्ड दोस्तों, ये है मालदीव्स की किंग सलमान मस्जिद जो मेल सिटी में लोकेटेड है। ये मस्जिद एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और ये मस्जिद जिस लोकेशन में है आप देख सकते हैं, ये लोकेशन भी बहुत खूबसूरत है और ये मस्जिद मालदीव्स की मेल सिटी में सबसे बड़ी मस्जिद है। आप देख सकते हैं कि इस मस्जिद का पार्किंग और स्ट्रक्चर कितना खूबसूरत अंदाज में बनाया गया हुआ है। इस मस्जिद में टोटल 10,000 नमाजी एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह, इस मस्जिद की जो कैपेसिटी है वाकई बहुत बड़ी कैपेसिटी है, 10,000 लोग कम नहीं होते। इस मस्जिद को सऊदी अरबिया से फंड किया गया है, इसलिए इस मस्जिद का नाम किंग सलमान रखा गया हुआ है। इस मस्जिद का आगाज 2018 में किया गया था और इस मस्जिद को मुकम्मल 2022 में किया गया है। अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया इस मस्जिद की ओपनिंग डेट। दोस्तों, इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि इस मस्जिद में लाइब्रेरी भी है और जिस तरह आप देख सकते हैं दीगर मस्जिद में भी लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी के साथ साथ मस्जिद में बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए एक सेपरेट सा हाल होता है। इस मस्जिद में भी सेपरेट सा हाल है जिसको क्लासरूम कहा जाता है और जो मल्टीपर्पज़ हाल है जो कम्युनिटी के मीटिंग्स वगैरह जिस तरह किया जा सकता है, ये तो सभी मस्जिदों में होते हैं। इस मस्जिद की ख़ास बात यह है कि इस मस्जिद 6 फ्लोर की मस्जिद है और इस मस्जिद में 5 मीनार है। 5 मीनार का मतलब आप इस तरह भी देख सकते हैं कि इस्लाम के फ़राइज़ 5 होते हैं, जो इस तरह से इस मस्जिद को डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, आप इस मस्जिद के अंदर से चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज भी देख सकते हैं। ये ब्रिज इतना खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है समंदर के ऊपर से, इस मस्जिद से आप इजीली देख सकते हैं। अगर आप इस व्यू से देखेंगे तो आपको यहाँ से सारे मीनार दिख जाएंगे। इस मस्जिद के 5 मीनार है जिस तरह में किया गया है और मैं इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा है कि मेल सिटी, इसका नाम मेल सिटी नहीं माले सिटी है। आप इस मस्जिद को किसी भी एंगल से देख सकते हैं, ये मस्जिद आपको एक जैसी लगेंगी चाहे आप किसी भी एंगल से देखो, क्योंकि मस्जिद का शेप ही उस तरह बना गया है। अगर आप इस मस्जिद का वाकई व्यू देखना चाहते हो तो आप जो एयरपोर्ट से जब आते हैं, आप फेरी में आओ, बोट में आओ, किसी में भी आओ, आप उस वक्त देखो इस मस्जिद का व्यू, आपको एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में लगेगा। दोस्तों, इस मस्जिद को आप इस तरह भी देख सकते हैं क्योंकि मालदीव्स की आज़ादी के जो 50 साल जो मुकम्मल हो रहे हैं वो 2022 में हो रहे हैं। जो आप उस लिहाज से देखा जाए तो मालदीव्स की जो आज़ादी की 50वीं सालगिरह की खुशी में है उसमें भी बनाया गया है। और अगर आप मालदीव्स घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप माले सिटी और हुलमुले आइलैंड आप दोनों घूम सकते हैं। ये जो कम बजट में आप मालदीव्स देख सकते हैं। अगर आप रिजॉर्ट वगैरह बुक करें तो रिजॉर्ट वगैरह थोड़ा कॉस्टली होंगे। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो जो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, जो आप माले सिटी और हुलमुले आइलैंड, हुलमुले सिटी भी देख सकते हैं। जो हुलमुले आइलैंड भी एक बहुत खूबसूरत आइलैंड है और वहाँ पे भी आप वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं और इसके पास और भी आर्टिफिशियल बीचेस हैं, वहाँ पे आप स्विम कर सकते हैं। तो अगर आप कम बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप ये भी एक जहन में रख के कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।